हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफ स्टाइल में। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो चुका है 7:30 का। मैं अपनी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक लेने लगी हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक मैं लेने लगी हूँ, गर्म पानी लूंगी मैं आज मॉर्निंग ड्रिंक में। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि आप अब एक्सरसाइज नहीं करते, तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं करती तो मैं शाम में करती हूँ। अगर मैंने मॉर्निंग में नहीं किया है तो मैं इवनिंग में करूंगी। जैसे कभी एक्सरसाइज नहीं की तो मैं वॉक करती हूँ 30-40 मिनट की। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि अगर मैं बीमार भी होती हूँ तब भी मैं वॉक करती ही करती हूँ, क्योंकि मेरे को हैबिट है। तो बस आज आप देखो कि मैं पूरा दिन क्या क्या खाती हूँ। पहले मैं अपनी ड्रिंक पी लेती हूँ, उसके बाद आप देखना मैं ब्रेकफास्ट और लंच में क्या खाती हूँ। पूरा दिन की रूटीन आप मेरे साथ देखें। तो गाइस, नाश्ते का टाइम हो गया, जिसके लिए मैं बेसन का चीला बनाने लगी हूँ। बेसन लिया थोड़ा सा, मैंने प्याज कट किया, शिमला मिर्च कट किया और गाजर कट की है। तो सबसे पहले मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, साथ में इसके मैं ये गाजर ऐड कर दूंगी और प्याज ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ये अजवाइन ऐड करूंगी, जिसे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे हम नमक, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्ची और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, दैट्स इट। और कोई मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब बस अच्छे से इसका मिक्सर बना लेंगे। तो ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है, अब हम बनाएंगे एक चीला। तो गाइस, थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी इससे इस पे एक तवे पे अपने। अब हम बैटर को इससे स्प्रेड कर देंगे तवे पे। इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि इसकी एक साइड अच्छे से पक जाए, फिर इसको बाद में फ्लिप करूंगी जब एक साइड पक जाएगी। तो अब इसको पकने देंगे दूसरी साइड से भी। तो गाइस, मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। ब्रेकफास्ट मैंने आज एक वेजिटेबल बेसन का चीला बनाया, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं। अभी टाइम हुआ है सुबह का 9 बजे है। और ना मैं ध्यान ये चीज़ रखती हूँ कि मैं कुछ भी खा रही हूँ, उसमें मैं वेजिटेबल्स बहुत सारी डालूँ। देखो, आपको वेजिटेबल्स लो इन कैलरीज होती है, आप कितना भी खा सकते हो वेजिटेबल्स। तो मैंने एक चीला बनाया, उसमें वेजिटेबल्स मैंने भर भर के डाली हैं ताकि वो एक से ही मेरा पेट भर जाए, वो हैवी हो जाए। तो आपको लग रहा है वो साथ में मैंने चटनी ली, कुछ नहीं लिया, तो इसमें वेजिटेबल है, चटनी वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको चटनी वगैरह चाहिए तो आप अपने घर में ही, तो आपको पुदीने की चटनी खानी है या फिर आपको धनिया की चटनी आप घर पे बनाई वही खाएं, बहुत अच्छी लगती है वो साथ में। तो मेरा जो फर्स्ट मील होने वाला है मैं ये खाने वाली हूँ। आगे आगे तो ना मैं समर्स आ जाएंगे ना, मैं दही के साथ चीला खाना पसंद करती हूँ। आप लोगों ने कभी दही के साथ चीला नहीं खाया तो आप एक बार जरूर खाएं, इतना यम लगता है ना। अगर आपको अभी भी दही सूट करते तो अभी खा सकते हो। मैं तो गर्मियों में खाती हूँ, प्रॉपर गर्मी आ जाएगी ना तब दही लेती हूँ, बहुत यमी लगती है। तो चाय आजकल मैं चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि बस मैंने छोड़ दिया अब चाय। मैं विंटर्स में ही लेती हूँ, गर्मियों मैं चाय नहीं पीती हूँ। कभी कभी जैसे मेरा सिर दर्द हो रहा है ना, सर वगैरह दर्द हो रहा है, तब मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे को एसिडिटी वगैरह बन जाती है, इसलिए मैं उस चीज को अवॉइड करके रखती हूँ। विंटर्स में मेरे को एसिडिटी नहीं बनती थी, अब गर्मी आगे आगे आ जाएंगी ना तो मेरे को एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ। तो चलो पहले इसका टेस्ट करते हैं कैसी बना है। मेरे मुंह में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि मेरे को भूख लगी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा यमी बना हुआ है। आपने अगर नहीं कभी बनाया या ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर बनाएं। ऐसे ही सेम अगर आपको बेसन का नहीं खाना है तो आप ओट्स का चीला बना सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है, हमारे डे की शुरुआत करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो आराम से बैठ के खा लेती हूँ, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइज, मेरे लंच का टाइम हो गया, तो मैंने आलू मटर बनाए। आलू मटर मैंने आपको दी नहीं है रेसिपी, मैंने बहुत बार दी है, सिंपल से आलू मटर मैंने थोड़े से ही बनाए आज अपने लिए। तो बस मैं अपनी लंच की थाली रेडी कर रही हूँ। तो गाइज, मैंने अपना लंच रेडी कर लिया। आलू मटर की सब्जी है, गेहूं की रोटी और सैलेड में है ये गाजर और साथ में है खीरा। तो आज बस मैं यही खाने वाली हूँ। पता है आज आलू मटर ना मैंने सुबह ही बना लिए थे, मतलब कितने बजे, 11 बजे बना लिए होंगे, तो इसलिए अभी हल्के हल्के मैंने गर्म की। ज्यादा गर्म सब्जी मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो हल्के हल्के मैंने गर्म की है। और आलू मटर की सब्जी, जैसे कि अभी आपको मालूम है मटर कितने अच्छे मिलते हैं और छोलिया इस टाइम पे आता है, तो मेरे को आलू मटर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं आपको लग रहा हूँ कि रेसिपी नहीं, रेसिपी बहुत सिंपल है यार, मैंने बहुत बार दिया तो आप भी बोर हो जाओगे डेली डेली देख देख के, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं दी है। वैसे सिंपल से मसाले डाले हैं, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर, और जीरे में तड़का लगाया है। और जब तड़का लगा रहे तेल में उस टाइम पे एक तेज पत्ता डाला है और काली मिर्ची डाली है, लाल 2 सूखी मिर्ची डाली है और क्या बोलते हैं उसको, मोटी इलायची वो डाली है मैंने। तो बस मैं हल्का सा तड़का लगाया सिंपल सा, तो ये सब्जी बन गई। इसका टेस्ट करते हैं, पहले तो ये बनी कैसी है।
तो ये बहुत यमी बनी है, स्पाइसी स्पाइसी सी अच्छी लग रही है। और पता है मैंने तरी वाली नहीं बनाई है, ये ना सूखी बनाई है मैंने, हल्की हल्की तरी थी मैंने वो भी सुखा दिया इसको, मतलब सूखी सब्जी खाई है मैंने, बनाई है मैंने। और पता है बाहर से आपको आवाज आ रही होगी, तो इस टाइम पे ना एक भैया आते हैं राम लड्डू, आप लोगों ने शायद सुने होंगे, वो बेचते हैं और फ्रेंच फ्राइज बेचते हैं, बच्चे यहाँ पे लेते हैं, बस उन्हीं की आवाज है, भैया की आवाज आ रही है, और इस टाइम पे सेल करते हैं, बच्चे इस टाइम पे खेल रहे होते हैं ना दोपहर के टाइम पे, तो बस बच्चे खेल रहे हैं और लेंगे साथ में अपना फ्रेंच फ्राइज लेंगे, राम लड्डू लेंगे और साथ साथ में खेलेंगे। मैं यहाँ पे ऊपर बालकनी में खड़े होकर देखती हूँ बच्चों को, बच्चे इस टाइम पे बहुत खेलते हैं, 1-1.5 बजे के टाइम पे स्कूल से छुट्टी हो जाती है छोटे छोटे बच्चों की, तो वो यहाँ पे आके खेलते हैं। आप लोग बताओ, आप लोग क्या वेट लॉस कर रहे हो? अगर आप लोग नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोग बताओ, आज आप लोगों ने क्या लंच में खाया है? रोटी खाई है, ये राइस खाई है, कौन सी सब्जी खाई है? सब्जी पता है सब्जियां इस सीजन में इस मौसम में बहुत सारी आती हैं, टेस्टी टेस्टी आती है, लेकिन वही है ना, सब्जियां रिपीट कर करके जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो यही सब्जियां यही उनको खानी है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो अलग 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 चीजें बनाते ही रहते होंगे। बट ये है कि सबका अपना अपना टेस्ट है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, किसी को जज नहीं कर सकते, जिसने जो खाना है वो उसको अपने हिसाब से खाना है और उसको अपने हिसाब से ही खाना चाहिए। तो आज की ये मेरी थाली है, इसको मैं आराम से इंजॉय करती हूँ, फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइज आपको लग रहा हो कि ऑरेंज के छिलके क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको, तो इसकी पील टी बनाने लगी हूँ, जो काफी अच्छी डिटॉक्स ड्रिंक है। 1 कप मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं ऑरेंज के छिलके ऐड कर दूंगी और इसको 1-2 बॉईल करवाएंगे और छान के पी लेंगे। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और इससे वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मैंने 1 किन्नू खा लिया, इवनिंग में इसकी टी बना के पीऊंगी। तो ये ड्रिंक बन गई है, तो बस मैंने कहा अभी हल्की सी गरम गरम है, मतलब अभी ही मैं लेके आई हूँ, गरम गरम है तो उसको मैं पी लूँगी। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े देख रही हूँ, इतने सारे कपड़े हैं, पता है मैंने ना वो क्या बोलते हैं सारे, अभी तो सर्दियाँ चली गई, तो मैंने ना क्विल्ट के ऊपर से, रजाई के ऊपर से ना कवर वगैरह भी उतार दिया कि इसको वॉश वगैरह करूँगी। अभी तो लाइट गई हुई है, लाइट आएगी तो मोटर चला के, वैसे आपको मालूम है दिल्ली में तो टाइमिंग्स होती हैं पानी की, तो पानी फिर मैं इसको चला के फिर मैं कपड़े धोऊंगी। तो गाइस आज आपने मेरा ब्रेकफास्ट देखा है, लंच देखा है, और आपको मैंने एक डिटॉक्स ड्रिंक दिया है। अगर आप उसको अपनी वेट लॉस जर्नी में आप उसको इंक्लूड करोगे तो आपका वजन बहुत तेजी से जाएगा और आपकी जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे इम्यून सिस्टम है वो हमारा अच्छा हो जाता है। तो आप जरूर इंक्लूड करें, जैसे किन्नू है, ऑरेंज है, अभी सीजन में है, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। और आप आज आपने देखा ब्रेकफास्ट मैंने चीला खाया, और उसके बाद लंच में मैंने रोटी सब्जी खाई, उसके बाद डिनर में आज मैं खाऊंगी न्यूट्री। आपको लग रहा है न्यूट्री क्या है, तो सोयाबीन का जो चूरा होता है उसकी मैं एक सब्जी बना के प्याज टमाटर डाल के तड़का लगा के बस वही खाऊंगी। अभी आपको लग रहा है मैं एंड क्यों कर रही हूँ, तो मेरे को बाहर जाना है, कोई काम है, अभी सिर्फ टाइम हुआ हुआ है, 5 बजे हुए हैं, तो मैं आके अपना डिनर देखूंगी, 7:30 7 बजे तक आज मैं डिनर करूंगी, तो मेरे को काम है, तो मेरे को वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ आज। अगर आप जैसे ब्रेकफास्ट है और ऐसे लंच करेंगे, ऐसे डिनर मैनेज में कभी भी रात में रोटी वगैरह कभी होता है खाई तो खाई, वैसे मैं बहुत रेयर खाती हूँ, रात को मैं थोड़ा लाइट करती हूँ अपना डिनर, और मैं प्रोटीन वगैरह ज़्यादा नाइट में लेती हूँ, जैसे पनीर खा लिया या सोयाबीन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खा ली ताकि पेट फुल रहे, जैसे मैं सोया न्यूट्री खा रही हूँ रात में। तो अगर आप नाइट में ऐसी चीज़ें खाएंगे तो आपका वजन बहुत तेजी से जाएगा, और आप अपने मील्स को मैनेज करोगे तो कम से कम आपका वजन महीने में 6 से 7 किलो तो जाएगा ही जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हो तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।